नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में सरगुजा की राजमाता देवेंद्र कुमारी और पूर्व मंत्री दिवंगत देवेंद्र कुमार सिंह देव को 2 मिनट मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें स्मरण करते हुए उनके प्रखर व्यक्तित्व की चर्चा की और सीएम भूपेश बघेल ने राजमाता के कांग्रेस में अहम योगदान को याद किया और उनके निधन को खुद के लिए व्यक्तिगत क्षति बताया, यानी कि उन्हें बहुत अभाव इसका हुआ है। और सीएम भूपेश बघेल ने सरगुजा के मेडिकल कॉलेज को राजमाता देवेंद्र कुमारी के नाम पर रखने का ऐलान किया। आज विधानसभा में राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंह देव, जो सरगुजा के महारानी थी और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य आजीवन नहीं हैं, उन्हें आज सदन में भावभीना श्रद्धांजलि अर्पित की है। समवेत सर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और उनके योगदान को स्मरण किया गया है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को चिरस्थायी बनाने के लिए सरगुजा मेडिकल कॉलेज को राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंह देव के नाम से रखा गया है और एक विनम्र श्रद्धांजलि सरकार की ओर से। ओम शांति।